किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इतिहास वही बनाते हैं जिनके पास में इतिहास लिखने का समय नहीं होता। हमारे भारत के इतिहास में कई महान शख्सियतें हुई हैं जिनके बारे में आपको और हमें काफी कुछ पता है, लेकिन कुछ ऐसे अनसंग वॉरियर्स हुए हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा कम पता है। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं उनका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानियां आप तक शायद कम पहुंची हों। आज मैं बात करने जा रहा हूं मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपका स्वागत है मेरी नई सीरीज लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आज उन बातों की बात करेंगे जो हम सभी सीख सकते हैं महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी से, जिनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौणी गांव में हुआ था। इनके पिताजी मंकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। ये वो जमाना था जब महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता था, स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ने लिखने लायक बनाया। परिवार के संस्कारों का कमाल था कि बचपन से ही अहिल्याबाई में सेवा भाव था। कहते हैं कि जब इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर साहब छौड़ी गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची मंदिर के सामने गरीबों को भोजन करा रही है, खाना खिला रही है, और वो बच्ची थी अहिल्याबाई। सिर्फ 8 साल की उम्र में अहिल्याबाई का रिश्ता तय कर दिया गया। जो इंदौर के महाराजा थे उन्होंने इनका रिश्ता मांग लिया अपने बेटे खांडे राव के लिए, और अहिल्याबाई ब्याह कर शादी कर पहुंच गई होलकर राजघराने में इंदौर। इनके पति एक कुंभेर युद्ध में, जो कि 1754 ईस्वी में हुआ था, उसमें उनकी जान चली गई, ये दुनिया छोड़कर चले गए। और उसके 12 साल के बाद में इनके ससुर जी की भी डेथ हो गई। उसके 1 साल के बाद में इन्हें वो ताज पहनाया गया जो कि मालवा साम्राज्य की इन्हें महारानी बना रहा था। 1767 ईस्वी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी बनी मालवा की महारानी, और तब से 1795 ईस्वी तक, जब तक ये इस दुनिया में थी, तब तक इन्होंने एक ऐसा राज किया जो हमेशा हमेशा के लिए मिसाल बन गया। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जिंदगी की 3 कहानियां आपको सुना रहा हूं जो आपको बताएंगी कि वो कितनी महान थी। सबसे बड़ी लर्निंग जो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी से मिलती है वो अनबायस्ड थी। राज्य की जनता हो, प्रजा हो, या राज परिवार का कोई सदस्य हो, उनके लिए सब बराबर थे। कभी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इंदौर की घटना है और लोक प्रचलित कथा है कि एक बार महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जो बेटे थे मालोजी राव, उनका रथ निकला बाजार से और उस रथ से एक बछड़े की टकरा करके मृत्यु हो गई। जो बछड़े की माँ थी गाय, वो दूर खड़ी थी। जो बछड़ा मर गया तो उसके पास आई और उदास होकर के बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में उसी रास्ते से, उसी बाजार से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का रथ भी गुजरा, और जब उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के पास में बैठी उदास है, तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि इस बछड़े को जरूर किसी ने मारा है, एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो पता चला कि थोड़ी देर पहले उनके बेटे का रथ निकला था जिससे टकरा करके बछड़ा जो है इसकी जान चली गई। वो बहुत गुस्से में थी, दरबार में पहुंची और मालोजी राव की पत्नी को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम बताओ कि अगर एक बच्चे की जान ले ली जाए उसकी माँ के सामने, तो जो जान ले रहा है उसको क्या दंड मिलना चाहिए। मालोजी राव की पत्नी ने कहा कि उसे प्राण दंड मिलना चाहिए, और महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने ऐलान कर दिया कि मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं, सड़क पर डाल दिया जाए और रथ से टकरा करके उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन कहते हैं कि उस रथ का सारथी बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। जो उनके लोग थे वो ये कह रहे थे कि आप माफ कर दीजिए ना, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने न्याय कर दिया था। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो वो खुद रथ पर बैठ गई, सारथी बन गई और अपने ही बेटे को कुचलने के लिए तैयार थी। लेकिन तब एक ऐसी घटना घटी जो एक कथा बन गई। ये लोक प्रचलित कथा है कि कहते हैं कि जब वो रथ पर सवार होकर के अपने ही बेटे को दंड देने के लिए आगे बढ़ी, तो वो गाय जिसके बछड़े की मृत्यु हो गई थी, जिसके बछड़े को मालोजी राव के रथ ने टक्कर मार दी थी, वही गाय बार बार आड़े आ रही थी, बार बार रास्ते में आ रही थी, खड़ी हो रही थी। तो मंत्री ने महारानी जी से कहा कि माफ कर दीजिए, शायद गाय भी यही चाहती है कि अब किसी और के बच्चे की उसके माँ के सामने जान ना जाए। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने बच्चे को माफ कर दिया और वो गाय जो बार बार आड़े आ रही थी, इसी वजह से उस बाजार का नाम इंदौर में आड़ा बाजार रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी से मिलती है वो ये है कि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। 1754 के कुंभेर युद्ध में जब इनके पति शहीद हो गए, तो उस वक्त सती प्रथा बहुत प्रचलित थी और ये भी चाह रही थी कि सती हो जाएं, तो इनके जो ससुर जी थे मल्हार राव होलकर जी, उन्होंने मना किया कि नहीं, आपको आगे जो है साम्राज्य को संभालना है। लेकिन 12 साल के बाद में ससुर जी की डेथ हो गई, उसके 1 साल के बाद में इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई,
तो फाइनली 1767 में इनको वो साम्राज्य संभालना पड़ा। और जब ये इंदौर की महारानी बनी तो जो आसपास के पेशवा थे, राजा थे, उनको ये रास नहीं आया कि भाई एक महिला गद्दी पर बैठ गई। तो उन्होंने प्लान किया कि हम जो है आक्रमण करते हैं, कमजोर है यहाँ की रानी और ये जो साम्राज्य इसको हथिया लेते हैं। तो इसी प्लानिंग के साथ में पेशवा जो है सेना के साथ में इंदौर के पास में पहुंच गए। अब क्या किया जाए, तो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने सेनापति तुकोजी राव के साथ में एक चिट्ठी भिजवाई। वो चिट्ठी उन्होंने खुद लिखी थी और उसमें लिखा था कि पेशवा साहब, अगर आप युद्ध के लिए आमादा हैं तो आ जाइए, हम इंदौर के दरवाजे खोल देते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं, मेरी अपनी स्त्रियों की सेना तैयार है। इन्होंने एक स्त्रियों की सेना तैयार की थी, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, हमारी नारी सेना तैयार है युद्ध करने के लिए। लेकिन सोचिए कि अगर आपने हमें हरा दिया तो इतिहास क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि एक कमजोर स्त्री को जो शोक में डूबी हुई थी उसको हरा दिया और महान बन गए। और सोचिए कि यदि हम जीत गए तो इतिहास क्या कहेगा कि एक नारी की सेना के सामने टिक नहीं पाए बड़े बड़े पेशवा। जरा सोचिएगा, बस इतना ही आपसे कहना है। ये जो चिट्ठी थी ये किसी तीर से ज्यादा चुभी थी उन पेशवाओं को। और उस तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि रानी साहिबा माफ कीजिएगा, आपने गलत समझ लिया, हम युद्ध के इरादे से नहीं आए हैं, हम तो शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। इस तरीके से बिना जंग लड़े ही, बिना युद्ध लड़े ही महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने वो युद्ध जीत लिया था। तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी से मिलती है वो ये है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा साथ रखिएगा। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जो कि भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त रहीं, वो अपने पूरे शासनकाल में उनकी सिर्फ ये कोशिश रहती थी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाया जाए। उनकी ये भी कोशिश रहती थी कि धर्मशालाओं का निर्माण करवाया जाए, मंदिरों का निर्माण करवाया जाए। तो उन्होंने अपने साम्राज्य महेश्वर में, इंदौर में काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ तक कि जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिए थे मंदिर, उनका भी उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। जो सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है उसका भी उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। आज भी उसे पुराना सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा के बिना मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। पहले पूजा करती थी उसके बाद में पानी पीती थी, इतनी बड़ी भक्त थी। यहाँ तक कि जो उनका शासनकाल था, जब भी कोई राज आज्ञा जारी होती थी तो उसमें नीचे अपना नाम नहीं लिखती थी, उस राज आज्ञा में नीचे जो है श्री शंकर लिखा जाता था। और कहते हैं कि तब से जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली, जब तक इंदौर के राजा रहे, जितनी भी राज आज्ञाएं जारी हुई, जितने भी आदेश निकले, उन सब में नीचे श्री शंकर लिखा होता था। जो पैसे थे उन पर नंदी का चित्र था, जो वहाँ पर रुपये बने उन पर भगवान श्री शंकर का चित्र होता था, बिल पत्र बना होता था। तो इस तरीके से उन्होंने लगातार 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 अपनी भक्ति को सबके सामने रखा और जो आस्था भगवान में उन्होंने प्रकट की थी, बस उसी आस्था के दम पर वो पूरा शासनकाल उन्होंने चलाया। कहने का मतलब बड़ा आसान है, सिंपल है कि अगर आप भक्त हैं तो वो आस्था बनाए रखिए, ऊपर वाला सब संभाल लेगा, उसके भरोसे रहिए। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को इतिहास, ये हिंदुस्तान, ये दुनिया एक बुद्धिमान, दूरदर्शी, सोच वाली शासक के रूप में याद रखता है और हमेशा रखेगा। वो हमेशा हर दिन अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी, उनका समाधान निकलवाती थी। वो हमेशा कहती थी कि ये जो प्रजा है, ये जो धन दौलत है, ये सब ऊपर वाले की दी हुई धरोहर है, इनकी मैं मालकिन नहीं हूँ बल्कि बस संरक्षक हूँ, मुझे बस इन सब को संभालना है और आगे बढ़ना है। इसी सोच के साथ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना शासनकाल चलाया। जाते जाते एक छोटी सी प्रसिद्ध कविता आपको सुनाता हूँ महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी पर। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मालवा की रानी हुई, करुण कहानी हुई, एक एक कर शव कितने उठाती हैं, देख के प्रजा की पीर पोंछ चक्षुओं का नीर, राज लोक धर्म हेतु स्वयं उठ आती हैं, युग का विश्वास बनी, जनता की आस बनी, जनता को भूल निज शोक सहलाती हैं, देवी राजमाता से अहिल्या बनी लोक माता, शासिका साहसी पुण्य श्लोक कहलाती हैं। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार वंदन। आप देख रहे थे मेरी नई सीरीज लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, में आज महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी की कहानी। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। और जाते आते बस यही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।